कहानी उस नेता की जो रीवा में बैठकर राजधानी में भूचाल मचा देते थे। आज स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी का जन्मदिन है। दादा नहीं दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए, पंडित श्रीनिवास तिवारी के लिए बनाया गया यह नारा आज भी लोगों के जहन में गूंजता है। विंध्य की धरती दो चीजों के लिए जानी जाती है, पहला सफेद बाघ मोहन और दूसरा रीवा का सफेद शेर स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी। पंडित श्रीनिवास तिवारी रीवा के सफेद शेर कहलाते थे। लोग उन्हें इज्जत से दादा जरूर बुलाते थे, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए वो दऊ यानी के भगवान थे। जैसे ईश्वर की इच्छा बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, वैसे दादा श्रीनिवास की मर्जी के खिलाफ विंध्य में कोई इधर से उधर नहीं होता था। आज स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सत्रह सितंबर 1926 की बात है। दादा श्रीनिवास तिवारी का जन्म उनके ननिहाल शाहपुर में हुआ था। उनका गृह ग्राम रीवा जिले का तिवनी था। वो वहीं पले बढ़े और रीवा सिटी में मौजूद ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज से वकालत की पढ़ाई हासिल की। दादा ने पढ़ाई करने के दौरान ही राजनीति में कदम रख दिया था, साथ ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में दादा ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी थी। पंडित श्रीनिवास अपनी जवानी से ही सामंतवाद के खिलाफ थे। उनके लिए गरीबों पर होने वाला अत्याचार बर्दाश्त से बाहर था। जब वो सिर्फ 22 साल के थे, तब उन्होंने विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वजूद में लाया। वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य बन गए थे। वो ऐसा वक्त था जब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का प्रदेश की राजनीति को पलट कर रख देगा। वो एक गरीब किसान परिवार से संबंध रखते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सके। गांव के ही सज्जन कामता प्रसाद तिवारी ने उनकी मदद की और अपने घर में पुश्तैनी सोने को गिरवी रखकर उन्होंने दादा को चुनाव लड़के के लिए 500 रुपए की मदद की और पंडित तिवारी पहली बार मनगवा विधानसभा से विधायक बने। दादा का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि बड़े बड़े नेताओं का कद उनके आगे ठीक ना दिखाई पड़ने लगा। जब साल 1973 में इंदिरा गांधी ने श्री तिवारी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा ली, तब उन्होंने दादा को सफेद शेर कहकर पुकारा था। वर्ष 1980 में दादा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे और कुछ समय बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन एमपी में अर्जुन सिंह की सरकार में वो हमेशा शामिल रहे और 1990 तक लगातार विधायक बनते रहे। वर्ष 1990 में उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया गया और 1993 में दिग्विजय सिंह के सत्ता में आने के बाद श्री तिवारी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। इस दौरान वो स्पीकर भी थे। साल 2008 में दादा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता और सम्मान पर कोई आंच नहीं आई। उनके चुनाव हारने के बाद दादा के सपोर्टर्स ने एक नारा दिया था जो आज भी लोगों के जहन में गूंजता है। वो नारा था, दादा नहीं दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए, अर्थात दादा नहीं भगवान है, वोट नहीं मिले फिर भी वो भगवान ही है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है, उसे महान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दादा भी अपने सिद्धांतों के प्रति अटल थे। जब वो कांग्रेस में विधायक थे, तब भी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर देते थे। जिस मंत्री पद के लिए नेता बड़े नेताओं के आगे सिर पटकते हैं, उसी पद को दादा ने सिर्फ अपने सिद्धांतों के लिए त्याग दिया था।
एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से उनका मतभेद तो चलता था, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। दादा का स्वभाव कुछ ऐसा था कि अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने से जरा भी हिचकिचाते नहीं थे। जो गलत है वो गलत है, बात खत्म। एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रीवा आना हुआ था। भरी सभा में उन्होंने दादा के नाम का इशारा करते हुए कहा था, सुना है यहाँ कोई सफेद शेर रहता है। उनके सिर्फ इतना बोलते ही मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आजादी के पहले और बाद में रीवा में कुछ दबंगों का राज चलता था। दाऊ साहब लोगों का जो मन करता वो कर डालते थे। किसी की बहू बेटी को उठा लेते थे, लोगों की हत्या कर देते थे, रास्ते में रोक कर किसी के सामने ही उसकी पत्नी को उठा लेते थे। और किसी के इतनी मजाल नहीं थी कि वो कुंवर साहब के आगे चू से चा कह दे। बस जी, दाऊ साहब कहकर मुंडी हिला देते थे। उस वक्त का रीवा किसी बॉलीवुड की फिल्म जैसा था, जहां गांव में एक कुंवर साहब रहते हैं और उनके बच्चे जनता को प्रताड़ित करते हैं। जो दाऊ साहब करते वो जायज माना जाता था, लेकिन जब पंडित श्रीनिवास तिवारी का सत्ता में आना हुआ, उन्होंने अत्याचारी लोगों के नाक अपनी जूती में रगड़वा दी, उनके वर्चस्व को कुचल के रख दिया। उस वक्त फलाने हाउस ठिकाने हाउस नहीं, सिर्फ अमहिया हाउस का नाम चलता था, जिसमें दादा रहते थे। दादा जातिवाद नहीं थे, उनके समर्थन में हर वर्ग हर जाति के लोग शामिल थे। या यूं कहें कि किसी की मजाल नहीं थी कि कोई दादा के खिलाफ जाने की हिमाकत कर पाता था। वो पंडित श्रीनिवास ही थे जिन्होंने रीवा से अत्याचारी दबंगों और वंशवादियों के तोते उड़ा दिए थे। जनवरी 2018 को दादा की आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। किसी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर भगवान कैसे मर सकता है। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे विंध्य को रुला दिया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने दादा की अंतिम यात्रा को देखा नहीं होगा। फूलों से सजी उनकी अंतिम यात्रा अपने आप में रुला देने वाली थी। एक शेर था जो हमेशा के लिए विंध्य को अनाथ करके परमात्मा के पास चला गया था।